यूज कर सकती हूँ बट नहीं करूंगी। मैं फाउंडेशन तैयार करूंगी, अगर है तो मैं इतना कष्ट क्यों उठाऊँ। क्या अप्लाई कर रही हूँ? ओह हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो है वन ब्रांड मेकअप, और मैं जिस ब्रांड का मेकअप आज करूँगी वो है इनसाइट। और मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे बस उसी से काम चला रही हूँ। एक्स्ट्रा मैंने एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, वो है ये लूज पाउडर, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लाइक आई शेडो पैलेट, मस्कारा, आईलाइनर वगैरह कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो जो है उसी से काम चला लेंगे, देखते हैं कैसा लुक आता है। तो आप लोगों को एक बार दिखा दूं कि मेरे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है ये इनसाइट का प्राइमर, दो कंसीलर पैलेट है बट आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और हाँ, क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन नहीं है तो मैं इनमें से किसी एक शेड मैच करके कुछ एक जुगाड़ कर लूंगी। तो ये हो गया कंसीलर पैलेट, देन ये है इनसाइट HD कंसीलर, ये हो गया लिपस्टिक, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लूज पाउडर। लास्टली मेरे पास है ये ब्लशर, और सब में से मेरा फेवरेट है ये ब्लशर। सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज ना मेरा फेस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे, कैमरा में अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब खुद को अच्छा नहीं दिख रही हूँ मैं। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये इनसाइट का प्राइमर, और मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। था दोनों में से कोई भी एक पैलेट यूज करूंगी, तो लास्टली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ। अभी अप्लाई कर रही हूँ ये करेक्टर, मैं ये ऑरेंज शेड ही ले रही हूँ। मेरे पास तो फाउंडेशन नहीं है तो एक बार मैच करके देखती हूँ, यहाँ पे लगा के देखूंगी कि मैच करता है कि नहीं। नहीं, ये शेड नहीं है, ये भी नहीं है। एक काम करती हूँ, ये वाला लेती हूँ, नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करती हूँ, एक डार्कर शेड लेती हूँ और एक लाइटर शेड लेती हूँ, दोनों मिक्स करके मैं फाउंडेशन तैयार करूंगी। ये वाला और ये वाला शेड ले रही हूँ और दोनों मिक्स करके अप्लाई करूंगी। हो गया, तो ये शेड मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ और कम ही लिया है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है तो बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी। ना मैंने अभी लगाया है उसको अभी करती हूँ मैं ब्लेंड, और मेरे पास ब्लेंडर इनसाइट का ही है तो बस उसी से अभी ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल सेम शेड बन गया, अच्छा ऐसे बनाते हैं, ये तो हैक हो गया। कितना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि फुल कवरेज है बट जो मतलब कवरेज आया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब लाइट मेकअप के लिए ये पैलेट आप इजीली यूज कर सकते हो और कोई भी शेड बना सकते हो, क्योंकि वहां पे डार्क शेड भी है, मीडियम शेड भी है और लाइट शेड भी है, तो मिक्स करके आप कुछ भी अपने स्किन टोन के हिसाब से बना सकते हो। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और मैं जब यहाँ पे मिक्स कर रही थी ना बिल्कुल बटरी जैसा था, इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा था ना फेस पे, मुझे तो अच्छा लगा। और जो मतलब आउटकम आया है ना मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी यूज कर सकती हूँ बट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाउंडेशन है तो मैं ये सब क्यों करूँ। सो बढ़ते हैं आगे, और अभी लगाऊंगी मैं कंसीलर जो कि है ये, और वहां से भी लगा सकती थी बट अगर है तो मैं इतना कष्ट क्यों उठाऊं। बस हो गया, बहुत लोग ना ऐसे लगाते हैं, सारी हेल्प करूंगी। लग रहा है क्या थोड़ा लिफ्टेड? नहीं लग रहा है, लिफ्टेड लगने के लिए फेस
फेस भी ना थोड़ा होना पड़ता है उस टाइप का, ऐसा गोल मटोल फेस लिफ्ट नहीं हो सकता, इतना आसानी से नहीं हो सकता है। अभी मैं ये मैंने ये अप्लाई नहीं किया अभी तक, ये अगर साथ में है तो इसे ही लगा लेते हैं। रबर जैसा स्मेल आ रहा है, इससे मुझे अप्लाई नहीं करना। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया बट मुझे ये पसंद नहीं आया, और साथ में जो एप्लीकेटर है उससे रबर जैसा स्मेल आ रहा था। अभी मैं लूज पाउडर को रिमूव कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रश पे लगा हुआ है वो फुल फेस पे और नेक में ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये जो दूसरा कंसीलर पैलेट है वहाँ पे एक कॉन्टोर का शेड है, थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी। तो कॉन्टोर मैंने अप्लाई कर लिया है, और अभी मैं लगाऊंगी माय फेवरेट पार्ट ब्लश। फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, देखती हूँ अगर ज्यादा होता है तो ब्रश से ब्लेंड आउट कर लूंगी। और लास्टली अभी मेरे पास एक ही प्रोडक्ट बचा है, वो है लिपस्टिक। एक काम करके देखती हूँ, थोड़ा फिंगर टिप पे लगा के ना ऐसे ब्लेंड कर देती हूँ। थोड़ा न्यूट कलर ऐसा एक लुक आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। ये जो लिपस्टिक मैंने अभी लगाया है ये थोड़ा सा न्यूट कलर में है जो कि अच्छा दिख रहा है। सो ये हो गया फेस मेकअप कंप्लीट। थोड़ा बाल वालों को सेट करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट, और मैंने बस बालों को खुला छोड़ दिया क्योंकि मैंने कुर्ता पहना है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एक झुमका लगा लिया, और मुझे वैसे भी झुमके बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट। मैंने इतने बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट से ये लुक क्रिएट किया है। आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा है, वीडियो में कैसा दिखेगा, बट इन रियल मैंने अभी मिरर में अपने आप को देखा, एक बहुत ही अच्छा और क्यूट सा लुक आ रहा था। मतलब अपने आप को बहुत ही अच्छा दिख रही थी मैं। तो बस ये हो गया लुक कंप्लीट, और ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।